नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले खबर, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। विधायक आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ है। अगर अग्रिम जमानत हुई तो खारिज तो आरिफ मसूद दे सकते हैं गिरफ्तारी। आरिफ मसूद मामले को लेकर ईरानी डेरे पर होने वाली कार्रवाई टल गई है। आज ईरानी डेरे पर होने की अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई, जिसमें आरिफ मसूद की गिरफ्तारी की आशंका के चलते ईरानी डेरे की कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। विधायक आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मसूद पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ था। जमानत खारिज हो गई तो मसूद की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, आरिफ मसूद मामले पर आज सुनवाई होगी। दरअसल आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर मामला दर्ज हुआ था, जिस पर आज सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता अतुल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, आरिफ मसूद मामले पर आज सुनवाई होगी, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आरिफ मसूद के ऊपर मध्यप्रदेश सरकार ने जो केस लगाया है, उसकी सुनवाई आज सुप्रीम हाई कोर्ट में होनी है और ये सुनवाई लगभग 12 बजे शुरू होगी। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर आरिफ मसूद जो विधायक है कांग्रेस को जमानत नहीं मिलती है तो वो जिला न्यायालय भोपाल में अपने आप को सरेंडर करेंगे, जिसको लेकर जिला न्यायालय में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारी भी अलर्ट पे हैं कि अगर आरिफ मसूद अपने आप को सरेंडर करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी आपरी घटना घटित ना हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। हालांकि दोपहर 12-1 बजे तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी याचिका लगाई है अग्रिम जमानत की, उसके ऊपर क्या निर्णय लिया है और उसके बाद क्या अगला कदम आरिफ मसूद का हो सकता है। जी, 12 बजे तक फैसला आ जाएगा, आप बिल्कुल इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।